ईज माई ट्रिप का नाम आपने बखूबी सुना होगा। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा ट्रैवल पोर्टल है और इनके जो को फाउंडर है प्रशांत पीटी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि आपने इसकी शुरुआत कैसे की थी, कैसे हुई थी इसकी शुरुआत? हम तीन भाई हैं, हमने कंपनी शुरू की थी 2008 के अंदर और हमने ये कंपनी ग्रो की है हमारे प्राइजेस की वजह से। हमारी कंपनी के आप हमारे यहाँ पे होटल, बस, ट्रेन, फ्लाइट सब कुछ बुक कर सकते हैं और हम जनरली प्राइजेस काफ़ी कम रखते हैं। हम कन्वीनियंस फीस चार्ज नहीं करते जिसकी वजह से हमारे प्राइजेस सस्ते रहते हैं। और ये कंपनी की जो ग्रोथ हुई है वो प्राइमरी वर्ड ऑफ माउथ से हुई है। किसी ने यूज़ किया, उसने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे बताया, ऐसे करते करते हम भारत की सेकेंड लार्जेस्ट ट्रैवल कंपनी बन गए हैं। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, आप झारखंड आए हुए हैं तो क्या यहाँ भी इज माई ट्रिप को लेकर आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या इसके बारे में भी आप यहाँ पर पांव फैलाएंगे क्या? जी बिल्कुल, झारखंड देश का इंटीग्रल पार्ट है और रांची एयरपोर्ट से हमारी काफ़ी बुकिंग्स भी होती हैं। हमें झारखंड से काफ़ी अच्छी बुकिंग्स मिलती हैं, नॉर्थ ईस्ट से हमें बहुत अच्छी बुकिंग्स मिलती हैं। तो हमने एक छोटा सा यहाँ पे ऑफिस भी खोला हुआ है और मैं अभी वहाँ अपने ऑफिस भी जाने वाला हूँ, देखने के लिए काम कैसा चल रहा है। बाकी सब कुछ बखूबी जा रहा है। सर, आखिर आपके मन में ऐसा ख्याल कैसे आया कि इस पर काम करना चाहिए, एक ट्रैवल पोर्टल बनाना चाहिए? आप भारत से हैं, ये जो है अक्सर विदेशों में लोग ऐसा करते हैं, लेकिन आपका ऐसा अचानक से ख्याल कैसे आया कि इस पर काम करना चाहिए अपने देश में? देखिए, ये बात मैं सही नहीं मानूंगा कि ऐसी चीज़ें सिर्फ विदेशों में ही होती है। भारत में भी आप देखेंगे आजकल इंटरनेट की कंपनीज बहुत चल रही हैं, बहुत अच्छी चल रही हैं। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं IIT के जिन्होंने अपनी कंपनी शुरू की है रिलेटेड टू इंटरनेट कंपनीज और बहुत अच्छा बखूबी काम कर रही हैं। हमें लगता है ये इंटरनेट का ज़माना है, लोग घर बैठे बैठे चीज़ें चाहते हैं, चाहे वो स्विगी हो, चाहे जोमेटो हो, चाहे इजमाई ट्रिप हो, और उसी तरह से हमारी कंपनी ग्रो करती जा रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत इंटरनेट की दुनिया में वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छा करेगा। सर, आप झारखंड आए हैं, यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, कैसा लगा आपको, इसके बारे में क्या कहें? मैं रांची कई बार आ चुका हूँ, इट्स अ लवली प्लेस। यहाँ पे टूरिज्म के लिए भी बहुत कुछ है देखने के लिए जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। हम अपनी वेबसाइट से प्रचार करते हैं उसका कि वो चीज़ लोग देखें। जैसे कि यहाँ पे एक एरिया है जहाँ पे अगर आप गाड़ी चलते हुए गाड़ी में अगर आप हाथ बाहर निकालेंगे तो आपके हाथ पे ज़रूर कोई ना कोई तितली बैठ जाएगी, उस पूरी रोड पे तितली है। तो हमने रिसेंटली उसके बारे में ब्लॉग भी लिखा था हमारी वेबसाइट के ऊपर और हम लोगों को काफ़ी प्रचार करते हैं। तो इस वक्त थे हमारे साथ मौजूद प्रशांत पीटी जी, जो ईज माई ट्रिप के को फाउंडर हैं। इन्होंने कैसे इसकी शुरुआत की, इस विषय पर अपने बातें रखी। लाइव 7 के लिए ओम प्रकाश के साथ विशाल भारद्वाज।